तो गुड मॉर्निंग, हेलो, सलाम, नमस्ते, कैम छो। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। दो दिन भुज में रुका था मैं और आज मैं भुज से निकल रहा हूँ। तो मैं यहाँ से जाऊँगा माता का मढ़, आशापुरा माता का मंदिर है जो कि करीब यहाँ से 100 किलोमीटर है। और फिर वहाँ से मैं आगे बढ़ूँगा लखपत के लिए जो कि माता का मढ़ से 55 किलोमीटर है। और फिर वहाँ से मैं आगे बढ़ूँगा नारायण सरोवर के लिए जो कि वहाँ से 35 किलोमीटर है। तो लगभग पूरा 200 किलोमीटर के आसपास का जर्नी है। तो मैंने जो आपको जर्नी बताई उसके लिए मुझे एक बाइक चाहिएगी, तो स्कूटर या बाइक हायर करना है मुझे। तो पता करते हैं कि बाइक का रेंट वगैरह क्या है भुज में, और यहाँ से बाइक लेते हैं 3 दिन के लिए और फिर निकलते हैं अपने सफ़र पे। ये एक जॉली ऑटो रेंटल करके एक दुकान है, यहाँ पे बाइक रेंट मिलेगी, ज़रा पूछते हैं इनसे। भैया, बाइक रेंट में मिल जाएगी? हाँ, मिल जाएगी। तो इन्होंने बताया मुझे 500 रुपये लगेगा एक्टिवा का पर डे का, वो भी मैं 3 दिन के लिए बुक कर रहा हूँ इसके लिए। और बुलेट का लगेगा 1000 रुपया, लेकिन ये वेरी करता है, सीज़न के ऊपर डिपेंड करता है। अभी जो 500 में मुझे एक्टिवा मिल रही है, कभी कभी वो 800 में भी जाती है, और जो बुलेट है वो 1000 की जगह 1500 में भी जाती है। तो मुझे फ़ायदा हो गया, 500 रुपये में एक्टिवा मिल रही है, 3 दिन के लिए मैं ले रहा हूँ। तो 1500 रुपये एक्टिवा के पे कर रहा हूँ मैं, और 2000 रुपये डिपॉजिट देना मुझे। ये वाली एक्टिवा है, एकदम नई एक्टिवा है, 6G एक्टिवा है। तो सारे इनके पास जो व्हीकल है वो नए हैं, बढ़िया है, एकदम चमक रही है गाड़ी। तो चलते हैं और निकलते हैं माता के मढ़ के लिए। तो क्योंकि हवा काफ़ी ठंडी है और भुज में इस वक्त 12 डिग्री का टेम्परेचर है, तो मेरे कान ठंडे हो गए हैं, तो इस वजह से मैं ये कैप लगा रहा हूँ। गाड़ी रोकनी पड़ी मुझे इसके लिए, थैंक यू जी। ये हमारे कैमरा पर्सन थे, इन्होंने कैमरा होल्ड किया था, धन्यवाद। तो गूगल मैप पे सेट कर लिया है, यहाँ से 105 किलोमीटर दिखा रहा है। तो चलते हैं, अभी आगे रेडी हो गए पूरी तरह से। तो पहुंच गया हूं मैं माता के मढ़ पर, और भुज से यहां आने में लगभग 2.5 घंटे लगे मुझे। तो ये मंदिर में जाने का रास्ता है, आशापुरा माँ का मंदिर है, काफ़ी प्रसिद्ध है गुजरात में, गुजरात के बाहर भी काफ़ी लोग जानते हैं, यहां दूर दूर से लोग आते हैं। गुजरात में बोलते हैं मातानु मढ़, इसका मतलब होता है माता का स्थान। तो चलते हैं मंदिर के लिए। यहाँ पर एटीएम है और ये अतिथि गृह बना हुआ है, और यहाँ पर दर्शन का टाइम वगैरह लिखा हुआ है। तो ये खाना खाने के लिए प्रसाद घर है, यहाँ पे प्रसाद मिलता है, भोजन आपको 2 टाइम दिन में, और फ्री ऑफ चार्ज है। अगर आप अपनी तरफ से कुछ देना चाहते हो तो दे सकते हो, बाकी आपको फ्री ऑफ चार्ज में यहाँ प्रसाद मिलता है। फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो मैं बाहर से आपको दिखा रहा हूँ। ये मंदिर है आशापुरा माता जी का, और ये पैसेज है यहाँ का। तो भगवान श्री राम ने वनवास के दौरान यहाँ पर 8-9 दिन पूजा अर्चना की थी माता जी की, और उसके बाद वो यहाँ से आगे नारायण सरोवर और कोटेश्वर के लिए निकले थे। तो काफ़ी प्रसिद्ध और काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी फेमस जगह है गुजरात में, आशापुरा माँ का प्रमुख स्थान है ये। तो बिल्कुल सही समय पर यहाँ पहुँचा मैं, मंदिर जो है वो 1 बजे बंद होता है और 3 बजे खुलता है फिर से। तो मैं यहाँ पर 12 बजे पहुँचा, आधा घंटा लगा, मैंने दर्शन किए अच्छे से, 12:30 बज रहे हैं। तो अभी यहाँ से चलते हैं बाहर और आगे बढ़ते हैं।
सामान यहाँ रखा था, भाई साहब ने रखा था, तो शुक्रिया, धन्यवाद आपका। तो सामान लेते हैं, सेट करते और बढ़ते हैं लखपत के लिए। तो पहुंच गया हूं मैं लखपत। 40 किलोमीटर का रास्ता था और 45 मिनट में कंप्लीट हो गया, क्योंकि रोड काफ़ी बढ़िया था और खाली रोड था, तो ज़्यादा समय नहीं लगा। पीछे आपको एक गुरुद्वारा दिखेगा, ये काफ़ी पुराना गुरुद्वारा ऐसा बताते हैं लखपत में, और गुरु नानक देव यहां पर खुद आए थे, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। नानक देव जी की पावन जगह में आपनु स्वागत है। हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ, नानक देव जी की पावन जगह पर आपका स्वागत है, ऐसा लिखा हुआ है। अभी थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ऐसा लग रहा है रिनोवेशन चालू है। और ये दरबार गुरु नानक देव जी का, पूरी हिस्ट्री बताई है यहाँ पर, तो आप स्टॉप करके पढ़ लेना। गुरुद्वारे में जाने से पहले आपको ये सारी चीज़ें निकालनी होगी, ये अलाउ नहीं है। लंगर कितने बजे से कितने बजे तक होता है यहाँ? कभी भी कोई 10 बजे से लेके चलते ही रहता है, पूरे सुबह 10 बजे से शाम तक चलता रहेगा, रात तक। अच्छा, तो पहले लखपत फोर्ट चलते हैं और फिर वहाँ से वापस आके फिर लंगर लेंगे और इसके बाद में फिर निकलेंगे आगे नारायण सरोवर के लिए। तो पहुंच गया हूं मैं लखपत फोर्ट पर। आप देखो यहां से एंट्री है सामने से, यहां पर लिखा है टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर, तो टूरिस्ट तो ये रहा लेकिन इन्फॉर्मेशन देने वाला कोई नहीं है, खुद ही ढूंढना पड़ेगा, खुद ही एक्सप्लोर करना पड़ेगा इस जगह को। यहां पर लिखा है भूतेश्वर नाको, तो कच्छ का जो पश्चिमी एंड है जहाँ से इंडिया की सीमा समाप्त होती है और पाकिस्तान की सीमा लगती है आगे जाके, वहाँ पर मैं खड़ा हूँ। तो ये जो जगह है यहाँ पर रात को पानी आता है, अभी थोड़ा कीचड़ है यहाँ पर लेकिन रात को पानी आ जाता है और इस वजह से यहाँ पर थोड़ा दलदल जैसा है। और आगे थोड़ा बढ़ जाएंगे तो वहाँ पर प्रॉपर दलदल आता है, सरक्रिक जिसे बोलते हैं, जिसकी सिक्योरिटी बीएसएफ वाले करते हैं, बोट से पेट्रोलिंग करते हैं वो लोग आगे की तरफ। और यहाँ से लगभग 25-30 किलोमीटर बाद पाकिस्तान स्टार्ट हो जाता है, तो इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर है ये। और अभी आगे जाऊँगा नहीं मैं, क्योंकि पूरा कीचड़ देखो आप, यहाँ से दिखेगा आपको। तो अभी ऊपर चलते हैं, वहाँ से और अच्छा व्यू दिखेगा। तो अभी आ गए हैं हम ऊपर, बाउंड्री बना हुआ है फोर्ट का, फोर्ट तो नहीं है लेकिन पूरी बाउंड्री है, अभी पूरा बाउंड्री है गोल गोल, यहाँ से सब दिखेगा। ये देखने में अच्छा लग रहा है पूरा वाइट रण जैसा, लेकिन ये भीगा हुआ है और हो सकता है कि आगे वहाँ पर जाके कहीं पर दलदल हो। तो ये चीज़ इसको ख़ास बनाती है कि ये इंडिया का एंड है और ये पूरा दलदल है आगे सरक्रिक, और उसके बाद पाकिस्तान है। अभी यहाँ से थोड़ा नीचे उतरते हैं, आगे चलते हैं उस तरफ। ये
पहले किले में ऐसे सुराख होते थे बंदूक लगा के, उस तरफ से कोई आए तो उसके लिए। तो ऐसे सारे सुराख बने हुए सब जगह किले में, यहाँ पर भी है ये। वो जो इंडिया पाकिस्तान का रोमांच होता है ना बॉर्डर वाला, वो यहाँ पर फील होता है। बाकी फोर्ट कुछ नहीं बचा है, खाली बाउंड्री बाउंड्री है। लेकिन इस बाउंड्री के उस पार जो रण दिख रहा है वाइट, और उसके आगे जो सर क्रीक है, जो दलदल है, उससे यहाँ की महत्वता बढ़ जाती है। तो पीछे बीएसएफ के लोग थे, दो बंदे थे, वो यहाँ से वॉच रखते हैं पूरा, क्योंकि मैंने बताया आपको सामने पाकिस्तान है 25-30 किलोमीटर बाद। लगभग आधा घंटा उनसे बातें की बैठ के वहाँ पर, पानी वानी पिलाया उन्होंने मुझे, और उनका जो सामान वगैरह है, गन वगैरह है, वो भी सब चेक किया, थोड़ा बातें की उनसे। अच्छा टाइम स्पेंड किया उनके साथ में, आधा घंटा बैठा मैं वहाँ पर। उनके पास जो दूरबीन था उससे थोड़ा दूर का नज़ारा देखा। तो आपको जहाँ तक लाश दिख रहा होगा ना, उसके भी 10 गुना आगे तक मुझे दिखाई दिया दूरबीन से। तो काफ़ी हाई रेंज की दूरबीन होती है इन लोगों की। तो ये लखपत का जो फोर्ट है, वो लखपत राजा ने बनाया था, जो कि कच्छ के राजा थे। और यहाँ से काफ़ी हमले होते थे, काफ़ी लूट चलाते थे बाहर वाले लोग। तो इसलिए ये पूरा बाउंड्री, ये जो आपको दिख रही है पूरी, ये लंबी चौड़ी किले की उन्होंने बनाई थी, ताकि जो लूटने वाले हो उनसे बचा जा सके और उनको यहाँ से भगाया जा सके। तो हम लोग वहाँ पर थे, और वहाँ से मैं घूम के लखपत गाँव में होकर यहाँ पर आया हूँ। और यहाँ पर ये देखो, एक काफ़ी प्रसिद्ध इमारत है, ये एक दरगाह है, पीर सैयद गौस मोहम्मद शाह कादरी की दरगाह है ये, उनके भाई ने बनाई थी। 200 साल पुरानी इमारत है ये दरगाह। और लखपत गांव में लगभग 70 से 80 घर है, उसमें मेजॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी है, 5-6 घर हिंदुओं के हैं, बाकी सारे मुस्लिम के हैं। काफ़ी सुंदर इसकी नक्काशी है, कितनी बढ़िया नक्काशी है, देखो आप पूरा गेट के ऊपर, और ये पूरे पत्थर की जाली जो है वो शानदार। इस दरगाह की नक्काशी बहुत बढ़िया लगी मुझे, काफ़ी खूबसूरत है, और 200 साल पुरानी इमारत है ये। तो लखपत फोर्ट देख लिया, और इस लखपत के अंदर में ये जो पुरानी दरगाह है वो मैंने आपको दिखा दी। तो अभी फिर से चलते हैं गुरुद्वारे के वहाँ, और वहाँ पर थोड़ा सा लंगर लेंगे, और उसके बाद में निकलेंगे नारायण सरोवर के लिए। तो आ गया हूँ मैं गुरुद्वारे पर। नानक देव जी का गुरुद्वारा ये तो मैंने बता दिया था, लेकिन ये बात बताना भूल गया कि नानक देव जी यहाँ पर 11 दिन तक रहे थे, और इस वजह से इसे नानक जी का गुरुद्वारा कहते हैं। लंगर के बारे में सुना तो बहुत है, बोले कुछ नहीं तो लंगर तो मिलता ही है, लेकिन मैंने आज तक प्रैक्टिकल किया नहीं है, आज पहली बार मैं लंगर ले रहा हूँ गुरुद्वारे में। तो ये पूरा पैसेज है, अभी यहाँ पर इनका नया भवन बन रहा है गुरुद्वारे के पास में, शायद स्टे वगैरह के लिए भी कुछ बना रहे हैं, वो टॉयलेट बाथरूम है। और ये पूरा यहाँ पर इनका लंगर चलता है, बर्तन पड़े हैं देखो आप, ये पूरा रसोई आ गया वहाँ पर। बस लंगर लेके मज़ा आ गया सच में, काफ़ी अच्छा लगा प्रसाद। और अभी इसे धोना पड़ेगा अपने हाथों से। बिल्कुल शांति है, एकदम सुकून है, ज़रा सी भी आवाज़ शोर शराबा कुछ भी नहीं है, तो अच्छा लगता है ऐसे माहौल में कुछ देर रहते हैं तो। वैसे तो लंगर सबके लिए फ्री होता है, लेकिन अपनी श्रद्धा अनुसार सबको देना चाहिए, क्योंकि जो गरीब है वो तो दे नहीं पाएगा, तो हम लोग कुछ ना कुछ देंगे तो वो आगे काम चालू रहेगा। चलिए सरदार जी, सत श्री अकाल। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा गुरुद्वारे का, लंगर भी लिया पहली बार, मैंने ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम लंगर खाया है। और अभी यहाँ से जाएंगे नारायण सरोवर, जो कि कच्छ का सबसे एंड पॉइंट है, और इंडिया का पश्चिमी छोर है, उसके बाद में भारत की सीमा समाप्त हो जाती है, और फिर पाकिस्तान आता है उस साइड पे। लखपत में भी मैंने आपको बताया कि भारत की सीमा समाप्त होती है, पाकिस्तान आता है, लेकिन ये
एंड बिंदु नहीं है, एंड बिंदु जो है वो नारायण सरोवर है। तो चलते हैं नारायण सरोवर के लिए।